बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ केमिस्ट्री क्लास नंबर 9 एंड वी आर डूइंग चैप्टर नंबर 8 केमिकल रिएक्टिविटी। टुडे वी आर गोइंग टू डू सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 8.4। इससे पहले स्टूडेंट्स हमने ये किया कि रिएक्टिविटी देखी हैलोजेंस की डिफरेंट मेटल्स के साथ और उनका सीक्वेंस देखा। तो ये असेसमेंट जो है इसमें हमने देखना है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विल अकर, कि इनमें से जो रिएक्शन गिवन है किस में डिस्प्लेसमेंट होगी और किस में नहीं होगी। उसको सॉल्व करने का बहुत ही इजी वे है कि आपने सीक्वेंस याद रखना है कि फ्लोरीन जो है, जो मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था, कैन डिस्प्लेस अदर हैलोजेंस लिविंग फ्री हैलोजेंस के। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल फ्लोरीन कैन डिस्प्लेस क्लोरीन, क्लोरीन कैन ब्रोमीन एंड ब्रोमीन कैन आयोडीन, और ये इसी तरह। लेकिन आयोडीन कैन नॉट डिस्प्लेस एनी ऑफ द हैलोजन। तो आपने इस सीक्वेंस को याद रखना है और इसी को देखते हुए आपने सॉल्व करना है। और वो सीक्वेंस हमने जो पहले भी किया था कि दिस वन पेज नंबर 157 पे लास्ट जो है, आपको मैं ये दिखाती हूँ, दिस ये यहाँ पे दिस वन एफ टू क्लोरीन सी एल टू बी आर टू आई टू आयोडीन। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट इक्वेशन में क्लोरीन सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड एफ। अब ये देखिए क्लोरीन जो है वो फ्लोरीन को डिस्प्लेस नहीं कर सकती। तो आप फर्स्ट रिएक्शन में लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विल नॉट अकर बिकॉज क्लोरीन कैन नॉट डिस्प्लेस फ्लोरीन। नेक्स्ट में आप लिखेंगे येस डिस्प्लेसमेंट विल अकर बिकॉज ब्रोमीन कैन डिस्प्लेस आयोडीन। ये हम नेक्स्ट है, नेक्स्ट में देखें आयोडीन पहले है तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट विल नॉट अकर बिकॉज आयोडीन कैन नॉट डिस्प्लेस ब्रोमीन। नेक्स्ट नंबर 4 में आप लिखेंगे येस डिस्प्लेसमेंट कैन अकर बिकॉज क्लोरीन कैन डिस्प्लेस ब्रोमीन। और यहाँ पे जब ये डिस्प्लेसमेंट हो जाती है तो क्लोरीन जो है ब्रोमीन की टेक्स द प्लेस ऑफ ब्रोमीन एंड ब्रोमीन सेट फ्री एज अ फ्री हैलोजन। क्वेश्चन नंबर 5 यू विल राइट येस डिस्प्लेसमेंट विल अकर बिकॉज क्लोरीन कैन डिस्प्लेस आयोडीन। क्लोरीन जो है अपने से नेक्स्ट हैलोजेंस को डिस्प्लेस कर सकता है, अपने से पहले नहीं, यानी फ्लोरीन को नहीं कर सकता, बाकी नेक्स्ट को कर सकता है। ब्रोमीन आयोडीन को कर सकता है लेकिन क्लोरीन और फ्लोरीन को नहीं कर सकता। और आयोडीन किसी को भी डिस्प्लेस नहीं कर सकता और फ्लोरीन सबको कर सकता है। ठीक है, तो ये सिंपल सा सीक्वेंस याद रखना है आपने और वो आपके लिए ईजी होगा। अगर आप ईजीली जो है इसको कर सकते हैं इसी सीक्वेंस को माइंड में रखते हुए। नेक्स्ट आप हम एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन करेंगे। दिस क्वेश्चन फ्रॉम बीवी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विल नॉट अकर गिव रीजन। रीजन वही है कि आपने लिख देना है बिकॉज क्लोरीन कैन नॉट डिस्प्लेस क्लोरीन। अब फर्स्ट रिएक्शन जो है उसमें दिस वन, तो इसमें आप लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट विल नॉट अकर बिकॉज क्लोरीन कैन नॉट डिस्प्लेस फ्लोरीन। ठीक है, नेक्स्ट में देखें, नेक्स्ट में भी आप लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट विल नॉट अकर बिकॉज आयोडीन कैन नॉट डिस्प्लेस ब्रोमीन। और नेक्स्ट जो आप है लास्ट जो इसमें एक रिएक्शन, दिस इज लास्ट रिएक्शन, इसमें भी आप लिखेंगे इसमें तो होगी डिस्प्लेसमेंट ब्रोमीन
can displace iodine, that's why displacement will occur. So in this way you can do the displacement reaction. अगर exam में आ जाता है तो आपने इसी simple इस सीक्वेंस को याद रखना है और इसी को माइंड में रखते हुए आप इजीली बता सकते हैं. और रीज़न आपने वही रखनी है कि कौन किसको डिस्प्लेस कर सकता है और किसको नहीं कर सकता. दैट्स ऑल फॉर टुडे. हैव अ नाइस टाइम. अल्लाह हाफिज़.